अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर ऑल फाइन। सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो हम भी आज अपना फर्स्ट लेक्चर जो है वो पढ़ेंगे। तो आपको जो है फर्स्ट दो लेक्चर जो हमारे कॉलेज में हुए थे, उसमें आपको पता है कि हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और इसके अलावा सोशियोलॉजिकल थेरीज जो हैं वो बहुत ब्रीफली हम इनको पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस पर आपकी असाइनमेंट भी आपको साइन कर चुका हूँ मैं। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी एंड द मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा, ये हमारा प्रीवियसली एक चैप्टर कवर हो चुका था, ठीक है, जिसकी एक असाइनमेंट आपको दे दी गई है। तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है कल्चर का, ठीक है। कल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपने नाम तो इसका बहुत दफ़ा सुना होगा कि हर सोसाइटी का, हर कम्युनिटी का जो है एक अपना कल्चर है, एक अपना वे ऑफ लाइफ है, ठीक है। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे कंटेंट इसके दे रखे हैं, ठीक है। कंटेंट क्या, कंटेंट का क्या मतलब है कि किन चीज़ों का वो मिक्सचर है, ठीक है। कल्चर किन चीज़ों का मिक्सचर है, हम कल्चर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट हम देखें कल्चर मीनिंग एंड इट्स नेचर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कल्चर पे देखेंगे मीनिंग क्या है और इसकी नेचर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट में हम आएंगे कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, यानी कौन कौन से वो कंपोनेंट्स हैं, अज्जा हैं, जो जब मिलते हैं तो एक कल्चर जो है वो बनता है। नेक्स्ट में हमारे पास आ रहा है, थर्ड पे आप देख लें, एवोल्यूशन ऑफ कल्चर। एवोल्यूशन आप जानते हैं, एवोल्यूशन का लफ्ज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसे अगर हम उर्दू में आपकी आसानी के लिए मैं आपको बताऊं, एवोल्यूशन का मतलब है इर्तका, ठीक है, एक चीज़ का दूसरी चीज़ में बदलना, ठीक है, इम्प्रूव होना, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एवोल्यूशन। मतलब किस तरह से कल्चर की जो इर्तका हुई फ्रॉम बिगनिंग टू टिल नाउ, ठीक है, कैसे आहिस्ता आहिस्ता कल्चर में जो चेंजेस आएंगे, एवोल्यूशन आया। नेक्स्ट फोर्थ पे है डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर, ठीक है। डाइवर्सिटी का आप माइंड करें कि डाइवर्सिटी है डिफरेंट से निकला होगा, ठीक है, डिफरेंस से निकला है, मतलब डिफरेंट जो चीज़ें हैं, डाइवर्स यूनिवर्स इसमें हम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर, ठीक है, यानी जो कल्चर है उसमें डाइवर्सिटी भी है और यूनिफॉर्मिटी भी। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंस थिंग्स भी इन्वॉल्व हैं और यूनिफॉर्मिटी सेम थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है कल्चर एंड सोशलाइजेशन। कल्चर का तो आपको एक नेक्स्ट हम आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसमें नेक्स्ट हम कल्चर के साथ पढ़ेंगे सोशलाइजेशन, जिन मज़ीद ब्रीफली हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके लिए जब हम इसे ब्रीफली डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सोशलाइजेशन क्या है और ये कल्चर के साथ कैसे लिंक्ड है। नेक्स्ट हमारे सेकंड लास्ट पॉइंट है ट्रांस कल्चरल सोसाइटी, ठीक है, इसको भी हम ब्रीफली पढ़ेंगे जब हम इसकी स्लाइड पर पहुंचेंगे। एंड द लास्ट वन इज इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है, कि कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है वो हेल्थ और डिजीज़ पर किस तरह से है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। जी, कल्चर, इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। कल्चर इज़ ए डिराइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड कुल्थरा, ठीक है, कह रहे हैं कल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश वर्ड कुल्थरा, ये इंग्लिश का लफ्ज़ है कुल्थरा एंड संस्कृत वर्ड संस्कार, ठीक है, ये संस्कार जो है ये संस्कृति जबान का लफ्ज़ है, ठीक है। विच डोनेट्स सोशल चैनल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस, सॉरी एक्सीलेंस। कल्चर इज़ ए वे ऑफ लाइफ, ठीक है। अब देखें इसमें इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि कल्चर का जो लफ्ज़ है कल्चर, ये ड्राइव कहाँ से हुआ है, कैसे इसका ये लफ्ज़ जो है वो वजूद में आया, ठीक है। इसमें दो जो ज़बानें हैं वो अपना रोल प्ले कर रही हैं कि एक इंग्लिश और दूसरी संस्कृत। इंग्लिश में कुल्थरा था और संस्कृत में संस्कार था, जब इन दोनों लफ्ज़ों को मिलाया तो इवेंचुअली कौन सा वर्ड जो है वो वजूद में आया, कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट जो कह रहा है विच डोनेट्स सोशल चैनल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस, ठीक है,
कह रहे हैं कि सोशल चैनल जो सोशल मोबिलिटी लोगों का आपस में मिलना एक चैनल बना हुआ है इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स की कैपेबिलिटी है, जो एक्सीलेंस है उनकी, जो उनकी इंटेलिजेंस है, ठीक है, वो जब सोशल चैनल के साथ मिला तो उसे क्या हुआ, एक कल्चर जो है वो मार्जिन पर वजूद में आया, ठीक है। कल्चर इज़ ए वे ऑफ लाइफ, ठीक है जी, कल्चर क्या है, ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है। नेक्स्ट है जी कल्चर की, हमारे पास डेफिनेशन है, तो इसमें आई थिंक 5-6 डेफिनेशन है जो मैंने कोट की हैं आपके लिए, जो मैंने लेक्चर तैयार की है। इसमें आप कोई 2-3 भी ठीक तरीके से याद कर लें समझ के, ठीक है, और अगर एग्ज़ाम्स आपके होते हैं उसमें आप लिखें तो आपके लिए वैल्यूएबल होगा, प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। इसमें हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं कल्चर की, ठीक है, ताकि आपको कल्चर का मोर जो है वो कंसेप्ट हो, ज़्यादा क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। इसमें ई बी टेलर, ठीक है, ये डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कल्चर की डेफिनेशंस दी हैं अपने अपने तरीके से समझाने के लिए, ठीक है। ई बी टेलर कह रहे हैं कल्चर इज़ ए कम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल्स, कस्टम्स एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाई मैन एज ए मेम्बर ऑफ सोसाइटी, ठीक है जी। बहुत ही इन्होंने जो है वो सिंपल कल्चर को समझाया ई बी टेलर ने, ये कल्चर इज़ ए कम्प्लेक्स होल, क्या कह रहे हैं, एक कम्प्लेक्स चीज़ है जिसमें डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसमें क्या है, नॉलेज है, बिलीफ है, डिफरेंट बिलीव्स हो सकते हैं लोगों के अपने अपने सोसाइटी के हिसाब से, ठीक है। इसमें नॉलेज है, आर्ट है, मॉरल्स हैं, ठीक है, लोगों के कस्टम्स हैं, ठीक है। मॉरल और कस्टम्स क्या हैं, ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ जो हम कहते हैं, लोगों की अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं, हर हर जो रीजन है, हर जो कंट्री है, हर सोसाइटी है, उनकी क्या है, अपनी अपनी मॉरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनके अपने अपने कस्टम्स हैं, उनके अपने अपने तौर तरीके हैं ज़िंदियाँ गुजारने के, ठीक है। एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज़ और जो भी दूसरी खसूसियात हैं, एंड हैबिट्स, इवन के जो आपकी हैबिट्स हैं, जो आपकी आदात हैं, वो भी हम कल्चर में लेंगे, एक्वायर्ड बाय द मैन एज ए मेम्बर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। एक इंसान एज अ सोसाइटी में रहते हुए उनको अडॉप्ट करता है, वो क्या आएंगी, कल्चर में आएंगी। नेक्स्ट इसमें आ रहा है लेजली ए वाइट, ये भी सोशोलॉजिस्ट हैं, इनकी भी आप डेफिनेशन देख सकते हैं। कल्चर इज़ ए सिम्बॉलिक कंटिन्यूस क्यूमुलेटिव एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस, ठीक है, वो कह रहे हैं कल्चर जो है सिम्बॉलिक, वो हम सिम्बॉलिक इंट्रैक्शन में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये टर्म्स आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। सिम्बॉलिक कंटिन्यूस मतलब कल्चर एक लगातार सिंबल्स का चलने वाला सिलसिला, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं, किसी भी किस्म के सिंबल्स यूज़ करते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और इवन के जेस्चर यूज़ करते हैं, वो भी क्या हैं, सिंबल्स हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस, क्यूमुलेटिव इनका मजमूआ एंड प्रोग्रेसिव हमेशा चलने वाला, ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें हम डेफिनेशन पढ़ते हैं मेलनविंस्की भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वो कह रहे हैं द कम्युनिटी क्रिएशन ऑफ मैन, द हैंड वर्क ऑफ मैन एंड द मीडियम थ्रू विच ही अचीव्स इज एंड, ठीक है। हर देखें आप, देखें हर सोशोलॉजिस्ट ने अपने अपने तरीके से डेफिनेशन उसकी बताई है कल्चर की, है सबकी ठीक, ठीक है, आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, बस वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। कह रहे हैं क्यूमुलेटिव क्रिएशन ऑफ मैन, क्यूमुलेटिव को हम कहते हैं इकट्ठा या खजा, ठीक है, क्रिएशन ऑफ मैन इंसान की याद कर दिया, वो कह रहे हैं कल्चर क्या है, इंसान का याद कर दिया। द हैंड वर्क ऑफ मैन, इंसान के हाथ से लिखा हुआ हाथ का काम हो सकता है, एंड द मीडियम थ्रू विच ही अचीव्स इज एंड, और जो भी मीडियम, जो भी रास्ता इंसान यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में, जहाँ पे वो रह रहा होता है, दूसरे लोगों के साथ, अपने जैसे दूसरे लोगों के साथ, वो क्या करता है, कल्चर को फॉर्म करता है, ठीक है। इसी तरह हम देख लेते हैं 3 और जो है डेफिनेशन, इसमें से आप कोई भी ज़रूरी नहीं कि आप ये सारी रिमाइंड करें, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्विज होता है, असाइनमेंट होती है, तो आप कोई सी भी 2-3 जो है असाइनमेंट्स, सॉरी ये डेफिनेशन जो है वो रिमाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं नेक्स्ट ग्राहम वाल्स की है, वो कह रहे हैं एक्युमुलेशन ऑफ थॉट्स, वैल्यूज एंड ऑब्जेक्ट्स, इट इज़ द सोशल हेरिटेज एक्वायर्ड बाई अस फ्रॉम प्रिसीडिंग जनरेशन थ्रू लर्निंग एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बायोलॉजिकल हेरिटेज विच इज़ पास्ड ऑन अस ऑटोमेटिकली थ्रू द जीन, ठीक है। इसमें वो ग्राहम वाल्स बात कर रहा है कि इसमें वो ले आए हैं बायोलॉजिकल हेरिटेज को, ठीक है, कह रहे हैं कि एक इंसान, एक जो नस्ल है वो दूसरी नस्ल से क्या होता है, अपने कल्चर को चलाती है, ठीक है। एक नस्ल ख़त्म हो जाती है तो उसकी जो आने वाली नस्ल होती है वो
उसको उसी कल्चर को आगे लेकर चलती है, ठीक है। इसमें इन्होंने बायोलॉजिकल फीचर्स की बात कर। नेक्स्ट है सीसी नॉर्थ, ये कह रहे हैं द इंस्ट्रूमेंट्स कंसिस्टेड बाय मैन टू असिस्ट हिम इन ए सेटिस्फाइंग हिज वांट्स, ठीक है। कह रहा है कि उसने कहा कि जो कल्चर है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। उसने एक इंस्ट्रूमेंट का नाम दे दिया कल्चर को, कि वो एक है औजार है कॉन्स्टिट्यूटेड बाई मैन, इंसान का आदमी का इजाद करदा, असिस्ट हिम इन ए सेटिस्फाइंग हिज वांट्स, कि वो उसकी जो ज़रूरियात हैं उसको सेटिस्फाई करे, ठीक है, उसमें उसको हेल्प आउट करे, ठीक है। वेरी वेल, ये भी बहुत, ये भी डेफिनेशन आप कोट कर सकते हैं, कोई भी एक या दो डेफिनेशन जो है रिमाइंड कर लें विद एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल्स आगे आपको मैं बताता हूँ, आप एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ से दे सकते हैं। नेक्स्ट है रेड फील्ड, रेड फील्ड जो है ये कहते हैं कि कल्चर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिनोमेना ऑफ एक्ट ऑब्जेक्ट्स आइडियाज़ एटीट्यूड वैल्यूज़ एंड यूज़ ऑफ द सिम्बल्स, ठीक है। इसमें देखें उन्होंने बड़ा ब्रीफली जो है सारी चीज़ों का जिक्र कर दिया। कल्चर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिनोमेना, वो कह रहे हैं कल्चर एक फिनोमेना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरह चादर है, उसमें हमारे एक्ट हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, आइडियाज़ हैं, लोगों के एटीट्यूड हैं, वैल्यूज़ हैं, यूज़ ऑफ सिंबल हैं। कल्चर इज़ एन ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग मैनिफेस्टेड इन आर्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। कह रहे हैं कल्चर जो है एक ऑर्गेनाइज बॉडी है जो कन्वेंशनल वे से पुराने तौर तरीक़ों से चल रहे हैं, टू मैनिफेस्टेड इन आर्ट्स, ठीक है। मैनिफेस्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन, ठीक है। इसमें मैनिफेस्ट क्या है, जो हम शो ज़ाहरी तौर पे जो हमारे आर्ट्स हैं उसमें ज़ाहिर होते हैं, आर्टिफैक्ट्स और जो हमारी आर्टिस्ट के बनाई हुई चीज़ें होती हैं, विच परसिस्टिंग थ्रू ट्रेडिशन करेक्टराइज द ग्रुप्स, ठीक है। जो ट्रेडिशन ट्रेडिशन हमारी चल रही हैं और जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं सोसाइटी के, उन्होंने करेक्टराइज की हुई हैं, यानी उन्होंने अडॉप्ट की हुई हैं, उन्होंने अपने अंदर समोई हुई हैं, ठीक है जी। ये 6 डेफिनेशन हैं, इसमें ये ऐड करने का मकसद ये है कि ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली कंसेप्ट क्लियर हो जाए कल्चर का, ठीक है जी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ कल्चर, ठीक है जी। इसमें आप देख रहे हैं नेचर कि हर चीज़ की कोई ना कोई एक नेचर होती है, ठीक है, कोई ना कोई एक फितरत है, ठीक है। कल्चर की क्या वो नेचर बता रहे हैं, कह रहे हैं कल्चर इज़ ए लर्नड बिहेवियर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि जो कल्चर है वो लर्न बिहेवियर है, ये आप देखें लर्न बिहेवियर, यानी ये सीखा जाने वाला जो है वो त्यौहार है, तरीका है, ठीक है। कल्चर खुद से ईजाद नहीं हो गया, ठीक है। ये क्या है, लर्न बिहेवियर है, नॉट इनहेरिटेड, ठीक है। वो कह रहे हैं ये इनहेरिटेड नहीं है, ये सीखा जाता है, ठीक है। कैसे सीखा जाता है, एक इंसान से दूसरा इंसान सीखता है, एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप सीखता है, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी सीखती है, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी सीखती है, इसी तरह एक जो है कल्चर वो माज़े वजूद में आता है। इट इज़ ए लर्न थ्रू एक्सपीरियंस इंटीमेशन कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट थिंकिंग एंड सोशलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। कह रहे हैं कि ये जो है सीखी जाती है थ्रू एक्सपीरियंस, डिफरेंट जो एक्सपीरियंस होते हैं हमारे उनसे इंटीमेशन, ठीक है, जो हमारी इंटीमेटेशन होती हैं जो उनसे हम सीखते हैं, कम्युनिकेशन सीखते हैं, कॉन्सेप्ट जो होते हैं, थिंकिंग एंड सोशलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे सोशलाइजेशन जो वर्ड है वो आपके लिए नहीं होगा, सोशलाइजेशन है कि सोशलाइजेशन आप इस तरह से बात कर रहे हैं, सोशलाइजेशन एक इंसान की स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे जब वो पैदा होता है, ठीक है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा होता है तो उसकी क्या हो रही होती है, सोशलाइजेशन हो रही होती है, यानी उसकी हम कह सकते हैं तरबियत कह सकते हैं, ठीक है। सोशलाइजेशन का प्रोसेस यानी उसकी तरबियत का जो अमल है इंसान की फ्रॉम हिज बर्थ टू हिज हर डेथ जो है उसको हम क्या नाम देंगे, सोशलाइजेशन का नाम देंगे, ठीक है जी। कल्चर इज़ ट्रांसमिटेड, ठीक है। सेकंड इसकी नेचर क्या है कल्चर की, वो ट्रांसमिटेड है, ठीक हो गया ना। ट्रांसमिटेड मीन एक जगह से दूसरी जगह क्या है, शिफ्ट होता है, ट्रांसमिट होता है, ठीक है। वे वर्टिकल और हॉरिजेंटली, दस इट इज़ कम्युनिकेटिव, ठीक है। वो कह रहा है कि वर्टिकल भी, वर्टिकल मतलब सीधा, हॉरिजेंटल ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है कि कम्युनिकेटिव है, ठीक है, वो किसी तरह भी जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा, कम्युनिकेटिव है। वर्टिकल ट्रांसमिशन इज़ फ्राम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। ये नेक्स्ट वो
वर्टिकल और हॉरिजेंटल का जो कंसेप्ट है उसको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। वर्टिकल ट्रांसमिशन इज़ फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर, ठीक है जी। कह रहे कि जो वर्टिकल जब हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो एक जनरेशन जो है वो दूसरी जनरेशन में अपने जो कल्चर है उसको ट्रांसमिट करती है। वेयर एज हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन इज़ फ्रॉम वन ग्रुप टू अदर ग्रुप विद इन द सेम पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, ठीक है। वर्टिकल की तो आपको समझ आ गई है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होता है, जबकि सेकेंड वो क्या कह रहे हैं, हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन इज़ फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप। इसमें जनरेशन का जिक्र नहीं है, इसमें किसका जिक्र कर रहा है, ग्रुप का। एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जब ट्रांसफ़र होगी तो उसको हम किसका नाम देंगे, हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन का। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विद इन द सेम पीरियड, ठीक है। देखें जो जनरेशन है वो तो एक पीरियड गुजर जाता है तो दूसरी जनरेशन जो है वो आती है तो उसका पीरियड और होता है, ठीक है। जबकि एक ग्रुप से जब दूसरे ग्रुप में कोई कल्चर ट्रांसमिट होता है तो वो एक ही टाइम पीरियड में अगर होगा, ठीक है, एक ही वक्त में होगा, उसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन। ये नेचर है कल्चर की, ठीक है, ये फितरत है कल्चर की। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, कल्चर इज सोशल, ठीक है। कल्चर क्या है, सोशल है, नॉट इंडिविजुअल। द पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग्स एंड एक्टिंग कैन बी शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप एंड केप्ट रिलेटिवली यूनिफॉर्म थ्रू ग्रुप प्रेशर्स, ठीक है। कह रहे हैं कि जो कल्चर है वो नॉट इंडिविजुअल, द पैटर्न ऑफ थिंकिंग, वो कोई एक एक अकेली चीज़ नहीं है या किसी एक चीज़ का मजमू, एक चीज़ नहीं है, ठीक है। वो क्या है, मजमू है, फीलिंग्स एंड एक्टिंग्स, डिफरेंट किस्म की फीलिंग्स और एक्शंस उसमें हैं। कैन बी शेयर बाय द मेंबर्स ऑफ ग्रुप, ठीक है, जो ग्रुप के मेंबर्स के हैं आपस में शेयर कर रहे हैं, एंड केप्ट रिलेटिवली यूनिफॉर्म थ्रू ग्रुप प्रेशर, ठीक है। जो ग्रुप प्रेशर पे एक दूसरे में, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, ठीक है, ग्रुप प्रेशर की वो बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप प्रेशर यानी ग्रुप का प्रेशर होता है तो ही जो कल्चर है वो सोशल होता है, ठीक है। जब ग्रुप का प्रेशर ना हो तो वो कल्चर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं, नेचर में क्या है ग्रुप की, इसकी कल्चर की। नेक्स्ट वो कह रहे हैं, कल्चर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। कल्चर क्या है, वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है, मौके फ्राहम करता है, एंड प्रोवाइड्स मीन्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर नीड्स एंड डिज़ायर टू फुलफिल ग्रुप फंक्शन, ठीक है। कह रहा है कि कल्चर की नेचर है कि वो जो है मीन्स ऑफ सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड करता है, वो गुड्स और नीड्स जो इंसान की ज़रूरत हैं एक ग्रुप में और उसकी फंक्शनिंग के लिए, वो भी उसको प्रोवाइड करता है, इंसान को प्रोवाइड करता है, ठीक है। कल्चर इज़ एडाप्टिव, एडाप्टिव का क्या मीन हुआ कि लिया जा सकता है, कल्चर अडाप्ट किया जा सकता है, ठीक है। हम अक्सर कहते हैं कि हमने, हमारा तो ये जो कल्चर है वो चेंज हो गया बिल्कुल, ठीक है, हमने ये कल्चर कहाँ से अडाप्ट किया है, हमने वेस्टर्न कल्चर अडाप्ट कर लिया, ठीक है, हमने यहाँ जो है यूरोप का कल्चर अडाप्ट कर लिया, ठीक है। यानी क्या है, कल्चर जो है वो अडाप्ट भी किया जा सकता है, इसकी नेचर में शामिल है, ठीक है, ये अडाप्ट हो सकता है। इट मे इंस्टीट्यूट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एज ए मीन ऑफ अडॉप्टिंग। कह रहे हैं कि जब आप कोई चीज़ कल्चर अडॉप्ट करते हैं किसी दूसरी कम्युनिटी का तो क्या करते हैं, चेंज इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, कि वो एनवायरनमेंट में क्या लाता है, चेंज लाता है। इंस्टेड ऑफ अलर्टिंग देमसेल्व टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक हो गया। कह रहे हैं कि इसके बजाय कि वो अलर्ट करे देमसेल्व टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की। कह रहे हैं कि जब आप कल्चर को अडॉप्ट कर रहे होते हैं तो जो एनवायरनमेंट उस कल्चर को अडॉप्ट कर रहा होता है उसको, वो उस वक्त अलर्ट नहीं होता, उसे नहीं पता लगता कि हम जो स्पेसिफिक कल्चर हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं, अनटिल और अनलेस, जब तक हम उसको फुली या पार्शली उस कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर लेते, ठीक है जी। जी आई होप आप सबको आवाज़ क्लियर जा रही होगी और समझ आ रही होगी। थोड़ा सा शोर है इसमें पीछे, वो असल में सॉफ्टवेयर इस तरह का जो प्रोवाइड किया गया, लेकिन एक्चुअली आवाज़ थोड़ी ऊँची है तो आप सबको समझ आ जाए, ठीक है। और ये आपके पास वीडियो होगी, ये क्लिप होगा, ताकि आप इसको अगेन एंड अगेन सुने और अपने नोट्स जो है बना लें, ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें है, नेचर ऑफ कल्चर में आ रहा है, कल्चर इज़ डायनामिक, ठीक है जी। कल्चर की नेचर क्या है कि वो डायनामिक भी है, ठीक है। कॉटियोर इज सब्जेक्टेड टू स्लो बट कॉन्स्टेंट चेंज,
कॉटिव्यूर्स रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कॉटिव्यूर मतलब डायनामिक नेचर है कल्चर की, ठीक है, कोई स्टैटिक नेचर नहीं है। स्टैटिक होती है कि एक जगह पे हमने उसको रख दिया है तो वो वहाँ से मूवेबल नहीं है। डायनेमिक नेचर है तो कल्चर जो है वो डायनेमिक है, ठीक है, चेंजेबल है फ्रॉम वन डायमेंशन टू अदर डायमेंशन, ठीक है। कह रहा है कि एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन कल्चर, सिंपल सी बात है। कल्चर इज़ कॉन्टीन्यूस एंड क्यूमुलेटिव, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कल्चर जो है वो मुसलसल चल रहा है और क्यूमुलेटिव है, ठीक है, ये सिंगुलर नहीं है, क्यूमुलेटिव है। इकट्ठे ग्रुप ऑफ पीपल होंगे तो क्या होगा, कल्चर होगा। कल्चर इज़ इंटीग्रेटिव, ठीक है, कल्चर जो है वो इंटीग्रेटिव है, इंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है, विद इन सोसाइटी, विद इन कल्चर एंड विद इन ग्रुप्स, ठीक है, आपस में इंटीग्रेट करता है तो क्या होता है, कल्चर एक फॉर्म होता है। नेक्स्ट नेचर के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ कल्चर, ठीक है। इसमें कितनी कितनी टाइप्स हैं और कैसे क्या क्या टाइप्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें वो कह रहा है कि टाइप्स ऑफ कल्चर, देर आर टू टाइप्स ऑफ कल्चर, मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर। ये रेड किया हुआ है मैंने ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। दो किस्म की टाइप्स हैं, एक मटेरियल कल्चर है, एक नॉन मटेरियल कल्चर है, ठीक है। इसके नाम से ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि मटेरियल वो चीज़ होती है जो हम छू सकते हैं, ठीक है, टचेबल चीज़ होती है, और नॉन मटेरियल वो मोस्टली वो जो मटेरियल्स जो जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, वो हम किस में इंक्लूड करेंगे, मोस्टली नॉन मटेरियल में इंक्लूड करेंगे, ठीक है जी। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल कल्चर को हम डिस्कस कर लेते हैं। मटेरियल कल्चर जी, इसकी डेफिनेशन है, मटेरियल कल्चर कंसर्न्ड विद द एक्सटर्नल मैकेनिकल एंड यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। कह रहे कि वही बात जो मैंने आपको किया कि मटेरियल कल्चर वो है वो कंसर्न कर रहा है विद एक्सटर्नल बैरूनी चीज़ों पे, मैकेनिकल एंड यूटिलिटेरियन, ठीक है, जो हमारी यूज़ में जो चीज़ें हैं उनको हम क्या कहेंगे, मटेरियल कल्चर, जो हमारी यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो हम जिन्हें हम छू सकते हैं जिन चीज़ों को, इट कैन बी इजीली कम्युनिकेटेड एंड मेक्स अवर लाइफ मोर कम्फर्टेबल। कह रहे हैं कि आसानी से कम्युनिकेटेड है, ठीक है, एक इंसान से दूसरे इंसान में ईजीली कम्युनिकेट हो जाती हैं, ठीक है, एक इंसान को दूसरे को दे दी, तीसरे को दे दी, ये आसानी से दी जा सकती हैं। मेक्स अवर लाइफ मोर कम्फर्टेबल, जिससे आसान ज़िंदगी हो जाती है, लग्जरियस एंड मीनिंगफुल, ठीक है। दस मटेरियल कल्चर हैज़ द एक्सट्रेंसिक वैल्यू लाइक हाउसिंग, फैशन, डाइट एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिए बहुत अच्छी, जैसे हाउसिंग है हमारे, फैशन है, कपड़े हैं, फर्नीचर है, और इसी तरह के जो ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं जिनको, जो टचेबल चीज़ें हैं, ठीक है, वो क्या हैं, वो हमारी एक तो हमारी लाइफ को ईजी करती हैं, दूसरा वो मीनिंगफुल भी होती हैं, उनको हम किस में ले रहे हैं, मटीरियल कल्चर में ले रहे हैं, ठीक है। मटीरियल कल्चर रिप्रेजेंट द होल अपरेटस ऑफ लाइफ और सिविलाइजेशन, ठीक है, यार कि सारी जो सिविलाइजेशन लाइफ जो हमारी अपेरेंट नज़रों से देखी जा सकती है, ठीक है, छुई जा सकती है, वो क्या है, वो हमारी सारी मटेरियल कल्चर है। इसमें आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे उन्होंने हाउसिंग, फैशन और डाइट के लिए, आप कोई भी अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल दे सकते हैं कि ये भी हमारी जो है वो मटेरियल कल्चर में इंक्लूड है जी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कल्चर, देर आर टू टाइप्स ऑफ कल्चर, मटेरियल कल्चर, ये तो हो गया, हाँ नीचे है नॉन मटेरियल कल्चर, मटेरियल कल्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है अगेन नॉन मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल यानी जो एक मटेरियल नहीं है, ठीक है, इट इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट्स, वैल्यूज, मोरेज एंड आइडियाज, ठीक है, फॉर एग्जांपल मोनोगैमी, डेमोक्रेसी, वर्शिप एट्सेट्रा, ठीक है जी। ये क्या है हमारी नॉन मटेरियल कल्चर, तो आपको समझ आ गई होगी नॉन मटेरियल कल्चर क्या है, हमारी नॉर्म्स, हमारी वैल्यूज, हमारे आइडियाज़, हर सोसाइटी के जो अपने अपने वो क्या है, वे कल्चर हैं, लेकिन ये क्या है नॉन मटेरियल, इनको छुआ नहीं जा सकता, जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको छुआ नहीं जा सकता, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल में कह रहे हैं मोनोगैमी, मोनोगैमी एक कॉन्सेप्ट है, मैरिज का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो हर सोसाइटी में नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिक सोसाइटीज़ में होता है, ठीक है, ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट को छू तो नहीं सकते हैं ना। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का आपको पता है, जमहूरियत है, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वैल्यू है, ठीक है, डेमोक्रेसी जो है उसको आप
टचेबल नहीं है, वो कोई मटेरियल नहीं है, ठीक है, वो क्या एक कॉन्सेप्ट है, एक वैल्यू है, ठीक है। वर्शिप इबादत, जैसे अब इबादत करते हैं तो इबादत मटेरियल कल्चर तो नहीं है ना, मतलब एक रूहानी चीज़ है, अनटचेबल है, नॉन मटेरियल कल्चर नहीं है, लेकिन कल्चर का हिस्सा है, ठीक है जी। इस तरह की आप और एग्जाम्पल्स कॉट कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है जी हमारे पास फंक्शंस ऑफ कल्चर। हमारे पास हो गई इसकी नेचर हो गई, इसकी टाइप्स हो गई, डेफिनेशन हो गई, ओरिजिन हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ कल्चर, ठीक है, कि कल्चर जो है किस तरह से फंक्शनिंग है सोसाइटी में। इसमें आप देख लें, इट मेक्स मैन एज ए ह्यूमन बींग, इसका फंक्शन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो इट मेक्स मैन एज ए ह्यूमन बींग, तो वो एक आदमी को क्या बनाता है, इंसान बनाता है, ठीक है। कौन बनाता है, कल्चर, ठीक है। कल्चर जब तक नहीं है तो इंसान क्या है, वो तो एक कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है ना इसकी, ठीक है। तो आप कोई ना कोई कल्चर अडॉप्ट करेंगे तो अभी कोई ना कोई पहचान होगी, ठीक है। हम पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी के बाद हम आगे से पंजाबी हैं, हमारा अपना कल्चर है, ठीक है। अब हम किसी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तभी हम कोई ह्यूमन बींग कहलाए जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए एक कल्चर को, कल्चर जो है वो एक आदमी को इंसान बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट असमेंट टू रेगुलेट द कंडक्ट एंड प्रिपेयर्स द ह्यूमन बींग फॉर ग्रुप लाइफ थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उसने बात की, उसने कहा कि रेगुलेट करता है, ठीक है, क्या, कल्चर। एक इंसान जो है, इंसान अपनी ग्रुप लाइफ में और प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन को चलाते हैं किसकी वजह से, कल्चर की वजह से, ठीक है। कल्चर ना हो तो इंसान जो है वो ग्रुप्स में भी ना रहे, ठीक है, इकट्ठे ना रहें, इनकी सोशलाइजेशन ना हो, सोशलाइजेशन मतलब इनकी तरबियत ना हो सके, ठीक है। लिहाजा कल्चर जो है वो भी इसकी फंक्शनिंग में है ये चीज़ें भी। नेक्स्ट है, इट डेफिनेट्स द मीनिंग ऑफ सिचुएशन, इट डिफाइंस द मीनिंग ऑफ सिचुएशन, ठीक है। जो सिचुएशन है, पार्टिकुलर सिचुएशन है, ठीक है, हर जगह एक अपनी सिचुएशन होती है, ठीक है। वो सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है, वो कल्चर ही की वजह से क्रिएट होती है। अगर कल्चर का जो है वो वजूद ना हो तो कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो, ठीक है। प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर डिफिकल्ट सिचुएशन, कि कल्चर है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के लिए जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, डिफाइंस वैल्यूज़ एटीट्यूड्स एंड गोल्स, वैल्यूज़ एटीट्यूड्स गोल्स हैं जो, वो इन सब चीज़ों को क्या करता है, कल्चर डिफाइन करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, इसमें फंक्शन ये आ रहे हैं, ब्रॉडन द विजन ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों के, इंडिविजुअल्स के जो विजन है, उनकी सोच है, उनको क्या करता है, ब्रॉडन करता है। ब्रॉडन का मतलब उनको खुला करता है, ठीक है। खुले मीन्स ये एक ब्रॉडन से है कि उसमें ज़्यादा जो सोचने समझने की सलाहियत एक इंसान एक इंडिविजुअल में, उसको बढ़ाता है। प्रोवाइड बिहेवियर पैटर्न एंड रिलेशनशिप विद अदर्स, ठीक है। कह रहे हैं कि बिहेवियर पैटर्न्स, जो डिफरेंट बिहेवियर्स हैं उनके पैटर्न ये तश्कील करते हैं, ठीक है। एंड रिलेशनशिप विद अदर्स, दूसरों से जो रिलेशनशिप्स हैं आपके, वो किस वजह से हैं, कल्चर की वजह से। कीप द इंडिविजुअल बिहेवियर इंटैक्ट, कह रहे हैं कि जो इंसान का बिहेवियर है, जो मिजाज है, उसको इंटैक्ट रखता है, एक जगह पे रखता है, एक लाइन पे रखता है, ठीक है। कल्चर ना हो, कोई इंडिविजुअल बिहेवियर ही ना हो, फिर तो गहमागहमी हो ना, आप कभी इधर हों कभी उधर हों, कोई एक चीज़ आप अडॉप्ट ही ना कर सकें, ठीक है। क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर को जो है वो इंटैक्ट रखता है, एक लाइन पे लगा देता है। मोल्ड्स नेशनल करेक्टर, ये भी बहुत अच्छी जो है पॉइंट है फंक्शन इसका, कि मोल्ड्स एक तश्कील देता है नेशनल करेक्टर को। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि हम पाकिस्तानी हैं तो हमारे क्या एक नेशनल करेक्टर है, हमारी एक नेशनल हमारी सकाफत है, ठीक है, हमारा कल्चर है, ठीक है। डिफाइन मिथ्स लेजेंड्स सुपर नेचुरल बिलीफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिथ्स आपकी जो है डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट मिथ्स होते हैं, ठीक है, आपने सुनी होंगी। लेजेंड्स जो हमारे अजीम लोग हैं, सुपर नेचुरल बिलीफ जो तोहम परस्ती हैं, ठीक है, वो भी जो है वो कल्चर ही की वजह से, ठीक है।
इंसानों में जो मिथ हैं और जो सुपर नेचुरल बिलीव्स हैं, ठीक है, जो जन्म ले लेते हैं, जो मौजूद हैं, हर सोसाइटी में मौजूद हैं, ठीक है, हर कल्चर में मौजूद हैं, वो किस वजह से हैं? कल्चर ही की अपनी अडॉप्ट की हुई चीज़ें हैं, ठीक है, ये कल्चर के फंक्शन में शामिल है। क्रिएट न्यू आइडियाज़ एंड इंटरेस्ट, ठीक है, क्या करता है? क्रिएट न्यू आइडियाज़ एंड इंटरेस्ट, कल ये कल्चर ही है जिसकी वजह से न्यू जो है नोवेलिटी आती है, ठीक है, न्यू आइडियाज़ एंड इंटरेस्ट जो हैं वो लोगों में, ग्रुप्स में और सोसाइटीज़ में जन्म लेते हैं, ठीक है। विदाउट कल्चर इट इज़ इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ कल्चर, ठीक है, हो गया, ऑलमोस्ट हमने काफ़ी चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं, अभी चीज़ों को भी हम कर लेते हैं लेक्चर में, सारी इंक्लूड कर लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर आज एज फॉलोइंग, सिंबल्स, लैंग्वेज, वैल्यूज, फोकेस, मोरेज, लॉज एंड कस्टम्स, ठीक है जी।